नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। और मैं हूँ बढ़ेर गांव के अंदर और यहाँ पर है एक बहुत पुराना प्राचीन बजरंगबली का मंदिर। तो ये देखिए गांव के यहाँ पर बजरंगबली के मंदिर का ये प्रांगण है और इधर से इसका मुख्य द्वार है। ये यहाँ से और भी मंदिर है, यहाँ पर शिव शंकर जी का और ठाकुर जी का मंदिर भी है। तो आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ये मंदिर का अंदर ये देखिए, ये यहाँ के पुजारी बाबा की मूर्ति भी है यहाँ पे। और इस तरह से ये यहाँ मंदिर का आंतरिक भाग है। इसके अंदर जिनकी श्रद्धा थी उन्होंने कुछ ना कुछ काम करवाया ही है। और ये बजरंगबली जी की लेटी हुई मूर्ति है ये। और यहाँ पे ये अंदर आंतरिक प्रांगण है, ये देख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से दिखाई देता है ये, यहाँ से ये देखिए इधर बजरंगबली जी की मूर्ति यहाँ पे है और लेटी हुई बजरंगबली की मूर्ति है। जैसे पांडुपोल जी में वो बताते हैं वैसे ही ये श्याम दास जी महाराज यहाँ पे सेवक हैं। तो ये चीज़ मैंने आगे इस प्रांगण के बारे में पहले बताई दिया। और ये बजरंगबली जी की मूर्ति है और ये हैं जो सेवक श्याम दास जी। तो हम आप महाराज जी से शुरू करते हैं कि इस जो मंदिर है इसका इतिहास क्या रहा है। तो महाराज आप कब से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की? मुख्य सेवा तो कम से 30-35 साल हो गई। और उससे पहले कौन करते थे? जय श्री राम दास जी। आपके ही वंशज थे वो भी? हाँ। तो वो मैंने सुना है कि वो भी आसपास के गांवों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। दूर दूर के यात्री आते थे पहले। हाँ, वो बहुत सारे लोगों के भूत वगैरह भगाने का और भी जॉब वगैरह इनमें बहुत उनमें मदद करते थे वो। महाराज जी ये जो आपने बताया, जो आपसे पहले महाराज जी रहे, तो वो कब से सेवा कर रहे थे? 1950 से सेवा कर रहे हैं बजरंगबली। फिर कब तक की उन्होंने? 20 मई 2021 को गुजर गया। उसके बाद इस मंदिर की चादर आपके ऊपर डाली गई। मूर्ति का इतिहास क्या रहा कि मूर्ति कैसे यहाँ पर स्थापित की गई, क्या हुआ यहाँ पे? ये मूर्ति नीचे से निकली है हजार वर्ष पहले की। पांडुपोल बजरंगबली की मूर्ति है, लेटी हुई। तो महाराज इस मंदिर के बारे में थोड़ा और जानकारी। मूर्ति चमत्कार है, जिसको मतलब सोमवारी बोल देते हैं उसको काम हो जाता है, नौकरी लग जाती है। जो आसपास के गांव में से गांव के दूर दूर के यात्री आते हैं इस गांव के मंदिर बड़े ग्राम में। महाराज आपको इस मंदिर की पूजा पाठ करते हुए और इस मंदिर की सेवा करते हुए कितने दिन हो गए? पहले तो श्री रामदास जी इनकी सेवा में करता था और अब 3-4 वर्ष हो गया आपको पूजा करते हुए। पहले आप उनकी सेवा में थे महाराज जी के में। तो सिया रामदास जी महाराज की जो फोटो है, ये सिया रामदास जी महाराज थे। तो पहले ये पूजा करते थे इस मंदिर की और अभी सेवक श्याम दास जी महाराज पूजा करते हैं जी। जैसे कि बहुत से लोगों को तरह तरह की समस्या दिखाते हैं, आते हैं ना पेट के दर्द के लिए और ऊपर भी कोई है और कोई भी ऊपर भूत प्रेत है जिनको बजरंगबली की कृपा से बहुत देने से फायदा हो जाता है। तो महाराज जी अब मैं एक जो आसपास के लोगों में या फिर आज की जनरेशन के अंदर एक समस्या है कि बांझपन की समस्या, संतान नहीं होती है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं आपके पास में? आते हैं बबूत देने से। उसके कई गांव में से लड़का हुआ है उनके सोमवारी कर जाते हैं। और महाराज जी आपने इस मंदिर के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है। तो जो भी भाई देख रहे हैं, जिसको भी समस्या है, तो मंदिर में आए महाराज जी के झाड़ी से और बजरंगबली की कृपा से उनकी समस्याएं दूर होंगी। तो सनातन धर्म का इस समय देखिए किस तरह का प्रभाव है कि नन्हे नन्हे बच्चे इस मंदिर में आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई क्या करता है। तो अभी आप लोग सब लोग आरती का आनंद उठाइए और जो आरती उनका देखिए किस तरह से यहाँ पर माहौल बनता है। तो सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।